नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जांच की मांग करने वाले स्वास्थ्य कर्मी का किया गया रातों रात स्थानांतरण। रिश्वतखोरी में लिप्त कर्मियों को दिया गया बढ़ावा। जी हाँ, आपको बता दें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया में कार्यरत मुस्लिम महिला संविदा स्टाफ नर्स हिना समीम सिद्दीकी जांच कराने की मांग भारी पड़ी। उन्होंने बताया कि दिनांक 7 अक्टूबर 2021 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पर ग्राम सभा हलिया के बसुरिया गांव निवासिनी एक प्रसूता का प्रसव कराने उपरांत प्रसव कराने वाली ANM द्वारा सुविधा शुल्क लिए जाने का मामला मीडिया वालों को लगी। मौके पर पत्रकार बंधु पहुंचकर प्रसूता तथा प्रसूता के परिवार जन का वीडियो बयान बनाने की वजह से सुविधा शुल्क लेने वाले रिश्वतखोर स्वास्थ्य कर्मी मेरे ऊपर दोषारोपण मरते हुए कि मैंने ही पत्रकार बंधु को सूचना दी है, इससे खार खाए रिश्वतखोर अन्य कर्मचारियों ने मेरे स्थानांतरण को लेकर धरना प्रदर्शन किया तथा लामबंद होकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष पेश होकर मेरा स्थानांतरण करा दिया। वहीं दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को मैं जिलाधिकारी मिर्जापुर के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे कहा कि 3-4 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके उलट उसी रात कुछ साजिश के तहत मेरा स्थानांतरण मिर्जापुर जनपद के छत्तीसगढ़ एडिशनल PSC पर कर दिया गया, जो कि एक अकेली महिला के रहने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ न्याय किया गया, रिश्वत लेने वाले लोगों के दबाव बनाने पर मेरा स्थानांतरण कर दिया गया। मेरी सरकार से मांग है कि दिनांक 7 अक्टूबर 2021 की घटना का उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराया जाए तथा मुझे न्याय दिलाया जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मैं हिना समीम सिद्दीकी, स्टाफ नर्स संविदा, PSC हलिया। ये 7 तारीख का प्रकरण है जिसपे लोग धरना प्रदर्शन किए थे मेरे खिलाफ, जबकि मामला कुछ और था। मामला था एक प्रसूता से लेन देन का, जिसमें मेरा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था। और पैसे के लेन देन में ये पत्रकार भाइयों को पता चला, जिससे वो आके प्रसूता से पीड़िता से उन लोगों ने बयान ले लिया। बयान लेने के बाद जब ये भांडा फूट गया तो इनका ध्यान भटकाने के लिए मीडिया और उच्च अधिकारियों का, वो मेरे धरना प्रदर्शन पे बैठ गए कि इन्होंने ही मीडिया लोगों को बुलाया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपना प्रार्थना पत्र और CMO साहब को भी दिया, वो भी कह के अच्छा ठीक है जांच कराते हैं। सर जांच करा लीजिए, उसमें हम दोषी पाए जाते हैं तो आप हमको मेरा ट्रांसफ़र जहाँ चाहें तहाँ कर दें। उसके बावजूद भी कल के डेट में मैं जब हमको बुलाया गया DM ऑफिस में गई, उसके बाद DM साहब से मिली, सारी बातें बताएं। बताने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम जांच आपकी करवाते हैं, 1 हफ्ते का समय लगेगा, अभी इधर छुट्टियां हैं नवरात्र की और सोमवार से हम आपकी जांच करवाते हैं। मैं आ रही हूं और रातों रात प्रभारी के, हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अभिषेक जायसवाल के दबाव पर रातों रात मेरा ट्रांसफ़र करा दिया गया। और भी इतने मतलब जंगल में कराया गया है, जहाँ एडिशनल PSC पे, जहाँ मतलब जल्दी कोई स्टाफ रहता नहीं है, नक्सली बेल्ट है, उनको करना ही था। तो महिला को देखते हुए किसी ऐसे स्थान पे भेजना था कि हाँ सुरक्षित रह सके, लेकिन इन्होंने रातों रात करा दिया। हमारी कोई भी जांच इन्होंने नहीं कराई, बिना जांच के।